चलो, तो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, हम पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी WP, वेरिएबल फोर्स पे वर्क डन निकालना सीख रहे थे हम लोग। क्वेश्चन था, जैसे एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक चेन रखी हुई है और कुछ पार्ट चेन का नीचे लटक रहा है, तो मुझे ये बनता है, जो चेन है इसका मास है एम, लेंथ है एल, और इस चेन का ऊपर जो पार्ट है दैट इज एल बाय थ्री, और नीचे जो पार्ट है वो 2L/3, और चेन और इस टेबल के बीच में फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी थी मुझे म्यू। मुझे फाइंड करना था ये चेन क्या हो रही है, नीचे स्लिप हो रही है, नीचे गिर रही है इस चेन। तो जब ये चेन पूरी कंप्लीटली गिर जाएगी तब वर्क डन कितना होगा, यह हमें निकालना है, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन चेन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, ठीक है, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया वो निकालना है हमको इस चेन पर। तो कैसे करेंगे, अगेन इसको हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, एल बाय थ्री चेन की लेंथ है ये, हम लोग यहां से एक्स दूरी पे जाएंगे, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पे जाएंगे और छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे ये वाला, इस कितनी लेंथ का लेंगे, dx लेंथ का, एक्स दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लिया, कितनी लेंथ का, dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। तो इस dx एलिमेंट को यहां तक पूरे जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे, वो निकाल लोगे तो आप नेट वर्क डन निकाल लोगे बाय फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो देखो इसका जो मास होगा वो कितना होगा, अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की बात करूं तो छोटा सा एलिमेंट ये है, इसको कितनी दूरी तय करनी है यहां से यहां तक, एक्स दूरी तय करनी है, एक्स दूरी चलना है, इस छोटे से एलिमेंट पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इस तरफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन, एन कैसे निकालोगे, एन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, मास इसका लेंगे डीएम इंटू जी। अब डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कल मैंने बताया था कि एल लेंथ की चेन का मास है एम, यूनिट लेंथ की चेन का मास होगा एम बाय एल, और डीएक्स लेंथ की चेन का मास होगा एम बाय एल इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये ही आपका डीएम है, यही आपका क्या है, डीएम है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज डी एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स भी स्मॉल लगेगा उसको मैंने बोला डी एफ आर, डी एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एन, एन की वैल्यू पुट कर दो, म्यू डी एम इंटू जी, और डीएम की वैल्यू क्या है, एम बाई एल इंटू डी एक्स, म्यू एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा, इसको यहां से यहां तक, टेबल यहां तक है ना, यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क डन होगा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा माइनस में आएगा, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा इस पर, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एफ आर इंटू एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डी एफ आर की वैल्यू पुट करो माइनस म्यू एम जी बाय एल इंटू डी एक्स इंटू ये वाला एक्स। अब इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्या क्या कांस्टेंट है, माइनस म्यू बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, कितनी चेन पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जीरो से लेके कहां तक, एल बाय थ्री लेंथ तक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पूरी चेन पे नहीं लगे, जीरो से लेके एल बाय थ्री, ये लेंथ कितनी है, एल बाय थ्री है, तो जीरो से लेके
एल बाय थ्री तक इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो यहां पे आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एल, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा इधर, लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल बाय थ्री, तो जीरो रखने पे तो जीरो आएगा ये, ठीक है, तो वो तो उसको हटा देंगे हम लोग, एल बाय थ्री वैल्यू रख दो डायरेक्टली एक्स की जगह एल बाय थ्री, तो कितना आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एल, एल का स्क्वायर बाय थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन, और ये टू पहले से ही था, इन टू टू, एक एल से एक एल कट जाएगा, नाइन टू जा कितना हो जाएगा एटीन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस म्यू एम जी एल बाय एटीन, दिस इज द आंसर, माइनस म्यू एम जी एल बाय एटीन, दिस इज द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये नेट वर्क डन होगा किसके कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, आया समझ में। चलो अब आता है इसके बाद टॉपिक डालो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क डन वाला सेक्शन खत्म हो गया है, अब एनर्जी वाला सेक्शन चालू हो गया, वर्क डन बाय सॉरी वर्क डन नहीं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टॉपिक डालो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ बेटा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जिसका वर्क डन केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर डिपेंड करता है, नंबर वन लिखो वर्क डन डिपेंड ऑन, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, नॉट ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉट ऑन पाथ, सपोज करो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, आप इसको यहां से यहां पे लेके जाओ या डायरेक्ट लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ या ऐसे घुमाते हुए लेके जाओ, ये हो गया आपका वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, किसी भी तरीके से लेके जाओ जो पाथ है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वर्क डन वन में जितना वर्क डन होगा उतना ही वर्क डन टू में होगा, उतना ही वर्क डन आपका थ्री में होगा और उतना ही वर्क डन आपका फोर में होगा, ठीक है, वर्क डन जो है वो सेम रहेगा चाहे किसी भी पाथ में जाओ आप, सिर्फ इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पर ही डिपेंड करेगा, अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा कौन सा वर्ड फोर्स होता है ऐसा। सर ग्रेविटी, दूसरी चीज, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, उसके एग्जांपल भी बताऊंगा इसमें। सेकंड पॉइंट लिखो कंजर्वेटिव फोर्स पे, अगर क्लोज पाथ हो तो क्लोज पाथ में इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, किसी क्लोज पाथ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, मान लो इनिशियल पॉइंट भी यही है फाइनल पॉइंट भी यही है, आप यहां से घूम के ऐसे करके लेके आ गए तो वर्क डन कितना होगा, ये क्लोज पाथ हो गया,
ए से वापस ए पर आ गए, सॉरी ए से घूमकर आप वापस ए पर ही आ गए, तो वर्क डन ए से ए तक आने में कितना हो जाएगा, वापस ए से एक तक घूम के आने में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो क्लोज पाथ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जीरो होगा। आपने पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी जो है विच इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर या कनेक्टेड इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल डिफाइन है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो कैसे F इक्वल टू हम लोग लिखते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स है, एफ सी इक्वल टू विच इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू। डी यू क्या है आपका, यू से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, डी यू बाय डी आर। एफ सी इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू बाय डी आर। ठीक है, और आपको पता है ये फोर्स है, ये तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, अगर मैं इसको वेक्टर की टर्म्स में लिखूंगा तो देखो वेक्टर की टर्म्स में कैसे लिखेंगे इसको, एफ सी वैक्टर। अब एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो देखो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस डी वैक्टर अपॉन डी आर वैक्टर। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इनटू यू। डी बाय डी आर इसे बोलते हैं ग्रेडियंट वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट वेक्टर, और इसका साइन होता है कुछ इस तरह से, उल्टा ट्रायंगल बनाना है और इसके ऊपर वेक्टर लगाना है, इसका मतलब ही होता है डी बाय डी आर वैक्टर। अभी मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, अभी सिर्फ इसका नाम याद रखो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेडियंट वेक्टर, ग्रेडियंट वेक्टर, और इसको बोलते हैं हम लोग नेबला, नेबला नहीं है नेबला है, ठीक है आप लोगों को दिख रहा है, नेबला बोलते हैं हम इसको, एन ई एन ई बी एल एन ई बी एल नेबला बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका साइन जो है जैसे इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं तो उसको बोलते हैं नेबला। इसके एग्जाम्पल है किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के, अभी मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, अभी आप फॉर्मूला देखो सिर्फ, इसके जो एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स के, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर थर्ड स्प्रिंग फोर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इन्हीं में आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।